कहते हैं सभी दिन एक समान नहीं होते और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपदा में अवसर तलाश लेते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी प्रमुख खालिदा जिया की। बांग्लादेश पिछले 2 महीने से कथित आरक्षण की आग में जल रहा था। इस आग में जहां 100 से ज्यादा छात्रों को अपनी जान, तो वहीं शेख हसीना को न सिर्फ प्रधानमंत्री की अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी बल्कि उन्हें अपना देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी और अब वो इंग्लैंड में पनाह पाने की जुगत में जुटी हैं। और यही आपदा खालिदा जिया के लिए शुभ समाचार यानी अवसर लेकर आई। जैसे ही शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद बांग्लादेश से सुरक्षित निकलने के लिए उड़ान भरी, सेना ने बांग्लादेश की सत्ता पर कब्जा कर लिया और राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बांग्लादेश की संसद भंग करने का आदेश दे दिया। सेना प्रमुख ने घोषणा की कि देश में अंतरिम सरकार सत्ता संभालेगी। देश में बिगड़ते हालात के बीच आर्मी चीफ जनरल वकर उज जमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगा और उन्होंने कहा कि देश में जारी स्थिति पर नजर है। इसके साथ ही राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन की प्रेस टीम ने बयान जारी कर कहा कि प्रेसिडेंट शहाबुद्दीन की अगुवाई में बैठक हुई जिसमें सर्वसम्मति से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया को तत्काल रिहा करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही इस बैठक में प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए सभी छात्रों को भी रिहा करने का फैसला किया गया है। यानी लंबे समय से भ्रष्टाचार समेत कई अन्य मामलों में जेल में बंद खालिदा जिया के लिए न सिर्फ रिहाई का रास्ता साफ हो गया बल्कि उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक दुश्मन भी देश छोड़कर जा चुकी हैं। ऐसे में एक बार फिर खालिदा जिया बांग्लादेश की सत्ता के करीब पहुंच चुकी हैं और उनका अगला कदम फिर से प्रधानमंत्री पद पर काबिज होना होगा। शेख हसीना और खालिदा जिया में कई समानताएं भी हैं। 1975 में जहां शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान के साथ साथ उनके परिवार के 18 लोगों की हत्या कर दी गई, वहीं 1975 में मुजीब की हत्या के बाद खालिदा जिया के पति जियाउर रहमान ने सत्ता संभाली थी जिनकी 1981 में हत्या कर दी गई थी। बात 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम की है। खालिदा जिया के पति जियाउर रहमान सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर थे। उन्होंने आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। आजादी के बाद बांग्लादेश की सेना में उन्हें ऊंचा ओहदा मिला। 1975 में प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान की हत्या और तख्तापलट के बाद तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल शफीउल्लाह को भी हटा दिया गया और बांग्लादेश में सेना प्रमुख के पद पर जियाउर रहमान को तैनात कर दिया गया। इसके बाद 1977 में जियाउर रहमान ने तख्ता पलट कर बांग्लादेश के राष्ट्रपति बन गए। बांग्लादेश में स्थिरता लाने और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कई कदम उठाए। वो 1977 और 1981 तक बांग्लादेश के राष्ट्रपति रहे। इस बीच जियाउर रहमान ने 1978 में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी की स्थापना की, लेकिन साल 1981 में एक सैन्य बगावत के दौरान चटगांव में उनकी हत्या कर दी गई और यही वो समय था जब खालिदा जिया ने खुद को संभाला। वो टूटी नहीं। पति की मौत के बाद खालिदा जिया ने अपने पति की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को संभालने का फैसला किया। पति जियाउर रहमान की हत्या के बाद शुरू हुआ जो खालिदा जिया का सफर। खालिदा जिया का 15 अगस्त 1945 को बंगाल के जलपाईगुड़ी में जन्म हुआ। बेगम खालिदा जिया के राजनीतिक करियर की शुरुआत 1981 में पति की मौत के बाद हुई। 10 साल बाद 1991 में पहली बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो के बाद वो मुस्लिम देश की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी। वे 2 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। वो 1991 से 1996 और फिर 2001 से 2006 तक प्रधानमंत्री रही। प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद उन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे। 2018 में उन्हें दोषी ठहराया गया और जेल की सजा सुनाई गई। तब से वो घर पर ही नजरबंद चल रही थी और अब शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद राष्ट्रपति ने उनकी रिहाई का रास्ता साफ कर दिया है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।